देखिए द जॉन रैम्बो शो अपने फेवरेट कॉमेडी यूट्यूब चैनल जॉन रैम्बो पे। दूल्हा आपको बालों वाला पसंद है या हल्का सा गंजा हो? हल्का नहीं, वो हल्का सा गंजा ये आजकल रिवाज है। रिवाज है बेटे, वो खुले पहुंचे वाला रिवाज है। वो अपनी पोनी भी बनाए। अच्छा जी, मैं उसके बालों में कंघा फेरू, कभी कभी टाके मेरे बच्चे उसके बालों से लटक लटक के झूले ले। गुंगे टोली ना करेगी। आगा साहब ये बताएं, इतना गैप आया बीच में, हमारा शो रुका रहा, अभी भी अब हमने शुरू किया, तो इस गैप में क्या करते रहे, कितनी दफा बाहर गए? मैंने बड़ा मिस किया। किसको है? हेलो, मैं पूछ रहा हूं शो को, शो यार इधर टर्न करना, मतलब एनी भी एनु कीता नहीं, तू जो कर स्वीट हार्ट, ओके यार स्वीट हार्ट मैंने कहा ही नहीं, नहीं कहा, मैंने कहा मैंने बड़ा मिस किया, मैंने मिस किया, मिस किया। अच्छा जी, इस शो को, अपने दोस्तों को। आप बाहर गए? हाँ, इस दौरान मुल्क से बाहर तो मैं बहुत दफा जा चुका। अच्छा, माशाल्लाह। अभी मेरे साथ एक वकूआ हुआ, मैं उस दिन अपना फेडेक्स के दफ्तर अपना पासपोर्ट जमा करवाने गया यूके के लिए, जेन में ये था कि 2022 तक मेरा पासपोर्ट है। ओके। अच्छा। जब मैंने उधर दिया वो सारे डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने मेरे ओके कर दिए, पासपोर्ट उन्हें यूं करके खोला, वो कहती है इसमें तो आपके एक सफा भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2022 तक आपका पासपोर्ट है लेकिन इसमें जगह नहीं, सफा भी खाली नहीं है। और क्या वीजा सी तेरे टेट दे लोड। यार कितना मजा आए आगा जी, तू नी दे वीजा लग गया, एक तो नीनू मिटा नहीं रहे, एक तो बुखार है ने, उधर जाके 6 महीने का वीजा लग गया तो 6 महीने ना ही नहीं रहा मेरा वीजा, ना मिट गया। इमिग्रेशन वालों कह रहे प्लीज वॉच माय धुनी। हां, इमिग्रेशन से जाके ना मशीन के ऊपर लेट गया ने, स्कैन हो रही है, स्कैन हो रही है। देखिए यार कभी इस तरह होया? हां, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। अगर नहीं कभी हुआ ऐसे? नहीं, नहीं हुआ। उनको पता है कि कैसे बना पासपोर्ट फौरन ऐसे? एक दिन में तो यार किसी और गरीब का भी बनवा देते जो बेचारा लाइन ऐसे लगते है ना भैया, उसमें मैंने पैसे भरे हैं। अच्छा, वो आपने वो डबल फीस दी? जी, डबल फीस पर भी एक दिन में नहीं बनता वो, इनकी फ्रेंडशिप उसमें एक वीक तो लगता है, वो लगता है लेकिन थोड़ा सा लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं फनकारों के साथ। माशाल्लाह क्या बात है। प्रायोरिटी पे तो कोई वाकया, एक तो ये हुआ बस, वो मैंने फिर वो पासपोर्ट जमा कराया, आप देखें इंशाल्लाह 2-4 दिन में आ जाएगा। तो आप जा रहे हैं? आपको पता तो है कि मैं फिल्म करने जा रहे हैं, इंडियन फिल्म। अच्छा जी, पंजाबी करने के लिए, पंजाबी फिल्म करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले मैंने उनकी फिल्म की है वो चल मेरा पुत्र। चल मेरा पुत्र, अब उसका सेकंड पार्ट, सीक्वल, पार्ट 2, चल मेरा पुत्र पार्ट 2, उसके लिए। जब ये फिल्म आपकी वहाँ रिलीज हुई लंदन में तो मैं वहीं पे था, और मुझे पहली दफा पाकिस्तानियों ने कहा, जी लंदन वाले दोस्त भी, बहन भाई भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे चैनल पे, तो उन्होंने कहा जी कि हमें बड़े अरसे के बाद सिनेमा के अंदर शोर सुनाई दिया। वाह 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 वाह, वरना हमने इतने अरसा इंडियन फिल्में देखी, इंग्लिश फिल्में देखी तो बड़ी अजीब आराम से लोग देखते हैं और जरा सा मुस्कुराते हैं, इसमें क्लैप होती थी, शोर होता था, एक भरपूर लाफ्टर जैसे थिएटर में हमारे, जी जी इस तरह का था। और मुझे उन्होंने कहा जी देखनी है, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं मिस कर रहा हूँ, और मैंने वो देखनी जरूर है, आ तो जाएगी मेरा ख्याल जी। यूट्यूब पे अभी मेरी दुबई हम लोग गए हुए थे तो कह रहे थे कि जी आजकल में हम लोग उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ उन्होंने बताया कि जी हमारे फनकारों ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम किया, सबने अच्छा काम किया, ये बात बड़ी अच्छी है। देखिए हमारे फनकारों ने तो अच्छा काम किया, वो जो काम करने वाले लोग हैं ना, मतलब तारीफ करनी चाहिए, अच्छे जो काम करते हैं, वो जो टेक्नीशियंस हैं, वो जो डायरेक्टर बदर साहब, उनके साथ काम करके ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी और यूनिट के साथ काम, मैं यही बात कर रहा हूं, ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा 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 लेकिन वो तो लगातार फिल्में बनाते हैं, लगातार तहाशा फिल्में बनाते हैं, तो उसमें ये है कि उनको वो अच्छा लगा, एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, चढ़दे पंजाब और लहंदे पंजाब इकट्ठा करता है, बड़ा जबरदस्त उन्होंने, तो उसका पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 2, तो लंदन वाले और यूके वाले, लंदन वाले और कनाडा वाले तैयार हो जाएं, पार्ट 2 आ रहा है जी, चल मेरा पुत्र।
अच्छा आप क्या करती रही हैं इतना आसा ऐसे ना चैनल चेंज कर रहा था तो एकदम फजर मेरे नजर आई मैंने का निकलो आगे अभी आप मुझे पहले कह रहे थे कि मैं वहीं रुक गया नहीं नहीं मैं फजर को मैंने देख रहा है जी जी मैंने होस्टिंग पे शिफ्ट कर लिया है काफी काम और टीवी सीज हो रहे हैं माशाल्लाह और अब मैं भी बहुत जल्द अपना यूट्यूब चैनल जो है आई एम गोइंग टू लॉन्च इट आप भी बना रहे हैं आई विल यस अच्छा क्या अच्छा ओके हम दोनों मिल के बना लें क्या क्या चैनल बेहतर करेगा चैनल से घर बन जाएगा मतलब चैनल से पैसे आएंगे घर बना लेंगे फिर वो सिर्फ खाबों पे पैसे लगाएंगे किराए देने की तो जरूरत ही नहीं होगी तो फिर क्यों देना आपने आप होस्टिंग आप इकट्ठा करेंगी जोड़ेंगी आप अल्लाह घर बना देगा होस्टिंग की आपने जी काम कर रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी नहीं की अभी तक नहीं वजह अब चैनल बन रहा है ना नहीं नहीं ना बेच में। वो मेरी शादी के बारे में पूछ रहे हैं वही ना आप चैनल बनाएंगी हाँ तो फिर तो शादी होगी पैसे आएंगे चलें शादी का भी सोचा नहीं है नहीं नहीं शादी का बिल्कुल सोचा है वो जिसने आना है ना वो अभी तक आया नहीं है अभी तो मतलब अभी पैदा नहीं हुआ नहीं नहीं बाल के ना शादी करनी है अच्छा अरे नहीं नहीं दूल्हा आपको बालों वाला पसंद है या हल्का सा गंजा हो हल्का नहीं वो हल्का सा गंजा ये आजकल रिवाज है रिवाज है खुले पहुंचे वाला रिवाज है वो अपनी पोनी भी बनाए अच्छा जी मैं उसके बालों में कंघा फेरू कभी कभी टाके मेरे बच्चे उसके बालों से लटक लटक के झूले ले फिर गुंगे टोली ना करेगी बस अल्लाह करे अब वीजे लग जाए सख्ती बहुत है सारे जज्बात आपने मिट्टी में मिला दिए नहीं कुछ बच्चे वाला ना खेलना यार अब शादी है बच्चे वाला ना खेलना तू सड़ना है तू सड़ना जेलस होता है जी 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 रेमो साहब क्या कहेंगे आप किसके लिए कहाँ थे आप जमाने के बाद आए ब्याह हो जाने के बाद आए नहीं असल में हमारा जो शो चलता है खबरदार वो करते थे अच्छा। अपना चैनल है अलबेला टीवी वो हाँ। माशाल्लाह जी वो तो वो उड़ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह और मैं आपका शुरू के सब्सक्राइबर में से हूँ माशाल्लाह आपकी दुआओं से ही बड़े हैं इतने मैं अपने देखने वालों को जो अलबेला टीवी देखते हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलजुल के काम करें और जी जो मेरे चैनल पे हैं वो सब अलबेला टीवी ज़रूर करें क्योंकि हंसने हंसाने के सारे प्रोग्राम जो हैं वो अलबेला टीवी पे आप देख सकते हैं और एक मेरे शो में भी यहाँ पे हंसने हंसाने वाला प्रोग्राम है नहीं ये तो बहुत बड़ा शो माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला देखना लोग बहुत लाइक करेंगे और आप बाहर गए आगा साहब तो जाते हैं जी मैं गया हूँ जी आगा साहब तो इतना बाहर गए थे लोग बारला बारो बार निकल जाते थे अच्छा पिछले दिनों इकट्ठे थे दुबई में अच्छा दुबई गए थे हाँ जब फिल्म साइन करने आप लोग गए थे आपने की फिल्म साइन नहीं मैं वैसे इनके साथ गया शुगल मेले के लिए क्यों इन्हें डर लगता सी ये क्या करते नहीं असल दे बीच ना इन्हें उठे ना एक अरबी ने इन्हें गिठा ऊंट गिफ्ट की था ये उसे बह के फिरता रहे और गिठा हो गया ये फिर उसे एयरपोर्ट से काट बात करके बेच आया अच्छा लेके नहीं आया आप भेज दिए अच्छा पता क्या है मेरी ये एक आदत बन चुकी है कि मैं अच्छा वो यही समझ रहा है कि हामिद मीर से शोज बैठा है पता क्या है मैं ये भांड मिरासियों की बातों पे ना रिएक्ट करता नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए और खुद खुद करते हैं आप बातें नहीं मैं जुगत का आर्टिस्ट तो हूं नहीं अच्छा अच्छा आप जुगत के आर्टिस्ट नहीं 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 ये समली का आर्टिस्ट है और दूसरा फिर वैसे भी मैं फैमिली के साथ हूँ जनाना साथ है साथ है भाई जनाना साथ है तो मैं तो यही समझता हूँ ना कि अपनी एक फैमिली है नहीं वैसे तो हम सारे एक फैमिली हैं इसमें तो कोई शक नहीं इसके साथ फैमिली हो ना तो फिर ये किसी को नहीं बुलाता अच्छा किसी को नहीं बुलाता जी तो इस आप बाहर गए हैं सिर्फ दुबई तक नहीं दुबई नहीं कनाडा आप शो करने जा रहे थे अभी आपकी एक वीडियो मैंने देखी आपके यूरोप जा रहे हैं आप यूरोप जा रहे हैं 22 को इंशाल्लाह सखावत नाज की टीम के साथ सखावत हनी बबू राणा
हनी अलबेला ये हम ड्रामा करने जा रहे हैं टच मी नॉट टच मी नॉट वो लेकिन लोगों ने आपको टच तो करना है क्योंकि वो जाहिर करीब से देखना चाहते हैं टच तो करें बस अल्लाह करे अब वीजे लग जाए सख्ती बहुत है मुजरम नहीं फड़िया हुंदा बताओ तुमने चोरी की है बीच में वो नजर नहीं आ रहा वो सानू देख रहे ने साडे एक्सप्रेशन नजर आ रहे उन्होंने भी बंदा घबराया या सही असी नहीं उन्होंने देख पा रहे तो उन्होंने हमारे कागजात वो ले लिए कह रहे इसको हम चेक करेंगे दो घंटे बाद आना इस्लामाबाद मैं कहा दो घंटे कितने फिर उतो जब्बी साहब कोई गल नहीं आओ चाह वधिया उतो मिलती उतो कहते कहते अभी तो एक बजे खोलने जाओ फिर और उधर ही बैठ के वो वीडियो आपने वीडियो बनाते रहे फिर वो ऐसे टाइम गुजरा पूरा किया। अच्छा जी बदर खान साहब जी आप तो माशाल्लाह मुझे जहाँ तक याद पड़ता है सुप्रीम घराने के बाद आप यहाँ आए और आपने हमें पल्ला नहीं पढ़ाया हम वो सोशल मीडिया पे देखते थे दास्तान गोई से उन्हें फुर्सत मिली जी बस यही मैं बताना चाह रहा था और ये बड़ी बात है मैं ख्वातीनों ज़रात आपको बताता चलूं कि दास्तान गोई को दोबारा इन्होंने शुरू किया है और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ दो मिनट की आपकी लगाई थी जब आप मेरे घर में जी आपके घर में इनकी टीम के साथ जी जी मैं आपको सच बताऊं अगर मैं मैसेज आपको पढ़ाऊं ना कि उन्होंने कहा यार आपने ये इतनी क्यों लगाई है पूरी कब लगाएंगे देखो सब बात पता क्या है मेरे सारे भाई बैठे हैं ये हमारी एक मिटी हुई चीज थी एक गुमशुदा आर्ट फॉर्म थी दास्तान गोई मतलब अभी कुछ अर्सा पहले तक ना हर जुमा को दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर लाहौर के शाही कला के बार हजूरी बाग में और पिशावर के किस्सा खानी बाजार में दास्तान गोई की बड़ी बड़ी महफिलें सजती थी इंसान की इंटरटेनमेंट कहें तो ये स्टार्ट की इंटरटेनमेंट यही थी पहली इंटरटेनमेंट लोग इकट्ठे हो रहे हैं और किस्सा गोई हो रही है मीडिया नहीं था ना कोई ऐसी बात तो मैंने कहा ये हमारी तहजीब थी हमारा विरसा था इसको फिर से जिंदा होना चाहिए मैंने फिर इस पर मैंने 16 साल थिएटर किया जी थिएटर के लिए लिखा भी तो पड़ोसी मुल्क में भी आना जाना रहा फिर मैंने इस पे काम शुरू किया इस पे रिसर्च की कि दास्तान गोई क्या है कौन लोग हैं जो करते थे फिर दिल्ली में ही हमारे उस्ताद हैं शमसुरहमान फारूकी साहब उर्दू अदब के बहुत बड़े राइटर और नकाद हैं उनके भतीजे हैं महमूद फारूकी साहब मेरे उस्ताद हैं दास्तान गोई के अच्छा। तो मैंने उनको देखा उनका काम देखा अब वहाँ पर तो वो चीज़ बहुत पसंद की जा रही है अच्छा लेकिन यहाँ पर नहीं था तो मैंने पाकिस्तान में इस आर्ट फॉर्म को दोबारा से जिंदा करने के लिए मैंने शुरू किया सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम की ही लिखी हुई स्क्रिप्ट दास्तान मंटोयत की दास्तान मंटो साहब की लाइव पर वो सुना पहला, अच्छा, पहला सबसे पहले वो। जी वो सबसे पहले वो थी अगली इसको याद करने के लिए बड़ा मतलब जी सलीम साहब सोंदे ही नहीं रहा था प्यो पागल हो गया नहीं वो आपकी भाभी मुझे यही कहती रहती हैं कि ये हर तरफ किताबें बिखरी रहती हैं आप क्या करते हैं गर्मी किताबें पढ़नी पड़ती हैं गर्मियों में इतनी किताबें बिखरी रहती हैं इतना लायक थे तू सही बात है मैं सही कह रहा हूँ वो मुझसे कहती कि आप इतने लायक थे तो नहीं ये क्या करते हैं आप कितनी किताबें एक दास्तान के लिए पढ़नी मेरी बीवी ने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया है कि बदर साहब मुझे छोड़ दो नहीं यार नहीं छोड़ दो आप प्राय मेहरबानी या तो अपना कोई मकान वगैरह लैदा लें या हमें कहीं और शिफ्ट करें आपने सारे घर में किताबें फैला दी अच्छा इतना पढ़ना पड़ता है एदा कार उर्दू बाजार लग रहा खान साहब बात पता क्या है वो अब किस्सा देखे जी मैंने वो दास्तान मंटोयो तो उस्ताद की लिखी हुई थी स्क्रिप्ट वो तो मैंने याद करके सुना दी अब वो जो वॉल सिटी में कामरान लाशारी साहब ने मुझे कहा जी हम वो रॉयल किचन रेनोवेट कर रहे हैं अच्छा। उसका हम वो इफ्तिताह कर रहे हैं तो आप ना लाहौर के मुतालिक दास्तान सुनाइए मैंने अब इस पर रिसर्च शुरू की मैंने कहा जी मुझे टाइम दीजिए 3-4 महीने लग गए अच्छा। कन्हैया लाल की मैंने सारी अपना तारीख़ लाहौर नकूश का लाहौर नंबर फिर तारण साहब की वो लाहौर आवारगी फिर अब्दुल जी फिर अब्दुल मजीद शेख साहब ने बहुत अच्छी किताब लिखी है किससे लाहौर दे अच्छा। मैंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया लाहौर की हिस्ट्री जमा की कौन कौन लोग आए यहाँ पर किनों ने यहाँ पर रूल किया किताबों में से आपने अपना एक स्क्रिप्ट बनाया फिर पूरी किताबें फिर उसमें स्क्रिप्ट निकाला फिर उसको लिखा फिर उसको दास्तान की शक्ल दी फिर उसको याद किया
यार वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। लेकिन सर मैं अच्छा आप देखें कि जिमखाना, इस्लामाबाद क्लब, लम्स यूनिवर्सिटी, अब अभी कनेड में था, अब मैं उसके 100 के करीब शो करीब करीब पहुंचने वाला हूं मैं। क्या बात, दास्तान शहर लाहौर की, और अब जो 1 नवंबर को मेरी दास्तान, वो मेरी ज़िंदगी का समझे तो वो एक बहुत बड़ा असासा कह ले दास्तान है जी, दास्तान खुसरो, खुसरो हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पीर और मुरीद की वो दास्तान। क्या है, बात है। तो कितनी देर की एक दास्तान पढ़ते हैं दास्तानें? तो रैम्बो साहब आप सारी रात सुना सकते हैं, ये लंबे किस्से कहानियों को सुनाने का नाम ही दास्तान गोई है, लेकिन मैं उसको थोड़ा टाइम का ध्यान रखता हूँ उसमें, यानी कि घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा। यानी कि आगा साहब ये उन लोगों में बैठ के दास्तान सुनाते हैं जिनसे मिलना बड़ा मुश्किल जी, ऐसा ही है, और उस ही दौर है। में सुना रहे हैं कि जब मतलब बाप की बेटा बाद नहीं सुन रहा है दास्तान। अरे वाह वाह, सही बात कर रहे हैं, बेटा बाप भी नहीं सुन रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो दास्तान सुनाना और उन लोगों के सामने सुनाना जो जेर जबर का जी ख्याल रखते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि लोग भी इसको सपोर्ट करें, इसको सपोर्ट करें जी। अगर 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 आप, मैं आपको एक 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 गुजारिश है जी जी, अगर आप 2 मिनट की एक कोई चीज सुना दें। इस शहर के नाम के बारे में कई रिवायात है पिछली तारीखों में, कहीं इसका नाम लाहौर, कहीं लहनोर, कहीं लोहपोर और कहीं लाहौर तहरीर है, मगर जो सबसे मशहूर रिवायत है वो ये, एक राजा रामचंद्र अवतार के 2 बेटे थे, एक का नाम लोह या लाहो था और दूसरे का नाम किस्सू था। तो जब वो दोनों पंजाब में रौनक अफरोज हुए तो लोह या लाहो ने लाहौर को आबाद किया और किस्सू ने कसूर को आबाद किया। अरे वाह वाह, ख्वाबों और दास्तानों की ये सुनहरी सरजमीन लाहौर, जिस पर हिंदू राजाओं, मुसलमान शहनशाहों, सिख बादशाहों और बरतानवी गोरों ने भी हुकूमत की है। मुगल सल्तनत के दारुल खिलाफा होने के बायस इसके शबाब के दिनों में एक कहावत अक्सर सुनाई दिया करती थी कि अस्फहान और शिराज दोनों मिलकर भी आधे लाहौर के बराबर नहीं हो सकते। वाह, और आज पूरी दुनिया में हमारे इस शहर लाहौर के बारे में सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा बहुत ही नजरात। ये आपको थोड़ा सा टेस्ट करवाया गया है दास्तान गोई जो है, जो पहले कभी सुनी जाया करती थी, सुनाई जाया करती थी, जो खत्म हो गई। बदर खान साहब ने बेड़ा उठाया है इसको दोबारा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने टेस्ट देख लिया होगा और अब आपका भी दिल कर रहा होगा कि यार ये रुक क्यों गए, रैम्बो क्यों बोल रहे हैं। लेकिन खान साहब ये मैं इसका सारा क्रेडिट अपने उस्ताद मोहतरम जनाब महमूद फारूकी साहब को देना चाहता हूं। ये उनकी जूतियों का सदका है कि मैं दास्तान सुना रहा हूं। नहीं, तो आप क्या मतलब टेस्ट करा देता, इधरों भी को आवाज टेस्ट दी आएगी, टेस्ट आएगी, शो के बाद खाना तो होगा, खाना तो होगा। अच्छा जी, तो ये था आज हमारा पहला शो। वाह जी, रोटी अनाउंस करो, बस हो गया शो। रोटी शादी ते आए, रोटी खोलो, रोटी फिर बदीद हो गई यार, फिर खाओ शो होंदे हजार बदीद होया, काम घूम करा के या शो खत्म हुआ है तो देखा, हालांकि को पल्ले नहीं इन्हें खवानी। अच्छा जी, अच्छा या तो मैंने कहां से खिलवानी पल्ले, क्यों नहीं क्यों? नहीं नहीं, वो जो पिछली बार आपने वो यखनी पुलाव और करेले गोश्त और वो कीमा और वो किधर है? ओए, कल भी मैडम निशो यकीन करो पाए ते बड़ा कुछ बना के ले आए सर, बहुत मजेदार था वो बार। एक बात है, आप जो ऐसे मजाक करते रहते हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन के अंदर मैडम को जोश चढ़ता है, वो छोटे पाए हाय बनाती है, हाय हाय ऐसा शोरबा होता है, बहुत अच्छा, उसमें सारे मसाले होते हैं। आगा साहब, आगा साहब, आगा साहेब, उन्होंने खाए हैं, आप उससे महरूम रह गए। हाँ। सारे मसाले होते हैं लेकिन मुंह में कोई नहीं आता। हाँ, ये तो वो उसमें पोटली में बांध के मसाले उसमें डालती है और फिर बुनाई करती हैं और फिर वो पोटली निकाल के उसको मसालों को निचोड़ के उसका फोक जो है वो सुना किस तरह की तू ताड़ियां दे हमले कर रहे हैं, इस तरह जिन्हें सारी जिंदगी खाधा ही उन्होंने नहीं पता वो खाना ही क्या जिसमें मसाले का टेस्ट आए और मसाला मुंह में आ जाए। वो खाना ही क्या जो अपने घर पके। आज क्या है खाने में? दाल, तड़का लगाओ, तड़का बड़ा उर्दू चुका, तड़का लगाओ। अच्छा यार, खंगाल के जरा लेके आई हो, खंगाल खंगाल वॉशिंग मशीन चुपकाई खंगाल के जी। आगा साहब, मुझे आज बड़े दिनों के बाद हंसी आई है, मैं खुल के हंसा हूँ, आप लोगों को भी कैसा लगा जी? बहुत मजा है, बहुत अच्छा, लेकिन ओ यार रोटी भी हो जाएगी आप तो जी, ऐलान तो करो ना रशीद, तड़का ला दे। कल आप रह गए थे, आप कल आई थी रोटी, कल ऐलान करना, कोई बच्चा को अच्छा ऐलान करना, रोटी खा के जाना बेटे। इधर सुनो ना, रह गए कल आप, कितों आई सी
हाँ ये मैं सही कहूंगा सच कहूंगा सच के सवाल कुछ नहीं। कितनों आई कितनों आई सी मैडम निशो ने स्पेशल खाना आप लोगों के लिए भेजा। सच कहता है वो बंदा ईमान वालों मैं झूठ नहीं बोलता। आप निशो तो करो खाना है आप लोगों के लिए आया है आप लोगों के लिए स्पेशल आया तो मुझे मोहब्बत करती है हमारा शो शुरू होने वाला है पाए कड़ी और चिट्टे चावल आपने खाया आई मैंने खाया बहुत ही मजेदार टेस्टी आई लव्ड इट कितना को दुखा दा होना कितना की मतलब इतना को दुखा दा होना आई लव टेस्टी इतना खा के कड़ा बंदा टेस्ट होता किसी ने समार तो है ना वो इतना ही खांदे ने तू तो इतना खाना पावे तेनु वेख के दौड़ पंदे वैसे वैसे ये बात तू तो बिल्कुल नहीं खांदा मैं थोड़ा सा हां थोड़ा मेरी तरह थोड़ा मैं खड़ा बकरा खा जाना थोड़ा बकरा खा रहा कड़ा मतलब वो जो पूरा वो सजी नहीं होती जो हमारे बलोचिस्तान सजी हुई है जिसके पेट में चावल भर के सुने जी रेम से भी नकल काम बड़ा अच्छा हो गया। हां हां आगा साहब की तबीयत जो खराब हो गई ना कल तो कोई बात नहीं अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है। हाँ। वो सब कुछ हमें खाने को मिल गया वरना वरना कहां मिलना। अरे सबसे अच्छी बात की आपने क्या बात है ये अल्लाह के काम है। हाँ। कि मेरी तबीयत खराब हो गई आपको खाने को मिल गया। हाँ। शुक्र इंशाल्लाह थोड़ी हो जाएगी अल्लाह ना करे क्या होगा आगा साहब कप्पू मुझे ले जाओ भाई मुझे तो ले जाओ अल्लाह लोग कमीज सुंदा पिछे टुर पहुंचे फिर फट जाए यार आप उनको कुत्ता समझ रहे हैं नहीं नहीं सर हेलो उन्होंने कहा नहीं तुसी क्यों क्लियर कर आप इनसे पूछिए मेरे ये ड्रेसेस स्टिच कर ड्रेस आप कुछ सी सकते हैं इनके लिए तू ए सिर्फ मुंह सी ला मैं तेरे को कहता जेंट्स करते हैं काम मैं नहीं करता था लेडीज करते अच्छा नहीं करता था नहीं जेंट्स अब नहीं तो जेंट्स। नहीं करता है मैंने छोड़ दिया ये पैंट कोट का बहुत क्यों छोड़ दिया पैसे ज्यादा आ गए हैं नहीं अब टाइम नहीं टाइम नहीं यानी आप अपनी औकात भूल गए यार देखिए नहीं नहीं औकात भूलने वाली बात नहीं कर हजे भी वो अपना आप चले आप हल्फन बताएं कितना अरसा हो गया लंडा पहने हुए गेस्ट हाउस से पहले पहनता ये औकात में आपको याद दिलाने लगा तो मुझे याद है मैंने पहना है तो फिर इसमें औकात वाली कौन सी बात है यकीन करो हाँ जी मतलब जेनू कह ना उनके रेडीमेड और जेने लंडा रेडीमेड मैंने रेडीमेड ते इन्हें जाके ना गंड दे उत्ते इंज करके पैर रख के ना हाँ ए दिखाओ भाजी ओए ओ पेंटा ले आंदा रे उत्ते और जेने लंडा नहीं पाया वो एक्टर बनया ही हाय हाय ये तो है ना ये तो है पिंडी सदर बाजार में जी बड़ा, जी बड़ा सारा लाहौर अनार कली जी और मैं और मेरे दोस्त आपने देखे होंगे जो लंदन में जो रहते हैं जिनके घर में मैंने दरख्त लगाया था पौधा लगाया था अब उनकी इतनी इतनी माशाल्लाह दाढ़ी है हम दोनों जाते थे और ओवर कोट खरीदने का हमें शौक था क्योंकि ओवर कोट नहीं मिलते थे इतना लंडा खरीदा कि लंडे जी वड़दा सी ना हाँ गंडा के बिचू लंडा कहता मुझे ले जाओ ले जाओ भाई मुझे तो ले जाओ और सदर बाजार च इन्ना इन्हें लंडा खरीदया उन्होंने फैसला किया कि इन्हू सदर बना दे लंडे का सदर बना दो लॉन्ग शूज फेल्ट सिर दुपट्टी ओवर कोट जी बिल्कुल ये हम वहां से ढूंढ के निकाल लेते थे और हमें शौक पता क्या था कि इस्लामाबाद में बारिश भी जब एक होती है ना सर्दियों वाली पतली बारिश तीन तीन चार चार दिन होती है जब मरी में बर्फबारी हो रही होती है ना तो पिंडी इस्लामाबाद में तीन चार दिन बूंदाबांदी रहती है फवार उसमें हमने जनाब वो ओवरकोट पहन के और हेलमेट लगा के लॉन्ग शूज पहन के तो ऐसे ही सदर तक पैदल सादगाबाद से सदर तक पैदल चले जाया करते थे वाह जी वाह अंग्रेज बने अपने वालों जिला दो अंग्रेज जा रहे हैं दो अंग्रेज जा फाके। दो अब आप खवातीन हजरात को मेरा क्लिप पिछला भी देखें जिसमें मैंने उनके घर ग्लासगो लगाया
اور آپ ذہن میں لے کے آئیں کہ وہ بندہ مارلن بلانڈو بنو پورا زبردست اور پورا انگلش آدمی اور بڑے خوبصورت تھے وہ. اور ماشاء اللہ آپ بھی بڑے ہینڈسم ہیں, داڑھی مبارک انہوں نے رکھی ہوئی ہے. روٹی کی طرف میں آ رہا ہوں. سر جی ختم کریں اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی تشدد شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. پتا نہیں بھی ہم تھوڑی دیر تک کہتے ہیں ہونے والا کی ہے. آغا صاحب کیا ہونے والا ہے؟ آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. روٹی بھاجی دے دیو. شکریہ میرا نہ کرو. اچھا ٹھیک ہے, لنگر دے دیو. لنگر دیتے ہیں ابھی. فجر آپ کا بہت شکریہ. بس ساڈا ایکو ہی ہو گیا شکریہ. ارے نہیں نہیں میری بھی اپنی بات ہے. آئی ایم ہنگری, آئی نیڈ فوڈ. ٹھیک ہے لیکن آپ شکریہ تو انہوں نے کہا, کہندی میں ہنگری. تھینک یو تھینک یو. خان صاحب تھینک یو سر. تھینک یو تہاڈے واسطے کہ تسی سارے نوں پھر اکٹھا کر لیا. لیکن جنی واری آغا صاحب نے روٹی دا کہیا نا, بھوک مینوں وی لگ گئی. سلیم صاحب بہت شکریہ, اور بدر خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. منگا لیں کیا مطلب؟ میں اجازت لوں گا تو منگواؤں گا. آپ کا بہت شکریہ خواتین حضرات. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم جان ریمبو چینل پہ یہ شو دا جان ریمبو شو لے کے آتے رہیں گے. انشاءاللہ میری ٹیم میرے ساتھ ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ آپ ساتھ ہیں. جی انشاءاللہ جی ہم آپ کو ہنساتے رہیں گے, گدگداتے رہیں گے. اور جو ایک سال کا گیپ آیا ہے, وہ جو کمی محسوس کرتے تھے, اب آپ کو وہ نہیں ہوگی. اچھا پبلک تو اجازت منگڑے تو پہلے انہوں آواز تو دیو نا رشید. اچھا رشید اور کھانا لا دے. لا دے کہ تم مینیو بھی بتائیں نا. لگا دو کھانا, لگا دو, گرم کرو. چولہے سے اتارے گا نا اور لائے گا تو پھر لگائے گا. اوکے اوکے چلو جی. آپ کو بہت شکریہ جی. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹن کر کے دبائیں تاکہ ہمارے اگلا آنے والا شو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آ جاؤ روٹی کھان چلیے. آئیے تھینک یو. آ جاؤ آ جاؤ. بلے جی منڈا پوچھتا کدھر جانا, میں سوریاں وال جانا. یار یہ سورے کدھر, آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یقین کر انہاں باندر سورے دے نہیں گیا جنہاں توں گیا. کیا بات, او نال ہی رہندے ہیں نا. یقین کرو ریمبو ڈگ 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 سورے جاؤ. رچ نہیں جاندا اے جاندا. ارے رچ نہیں جاندا, رچ سورے نال لڑیا پھڑے. لاکھ لعنت تیرا.